चीनी सामान के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान के अंतर्गत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के ब्रिज प्रांत के संयोजक अमित जैन ने बताया कि कैट ने इस वर्ष की राखी को देश भर में हिंदुस्तानी राखी त्योहार के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत इस बार चीन निर्मित राखी अथवा राखी से संबंधित कोई भी सामान उपयोग में नहीं लाया जाएगा। देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे जांबाज सैनिकों का उत्साह वर्धन करने के लिए कैट की महिला विंग केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 5,000 राखियां प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि देश में राखी के त्योहार पर लगभग 6,000 करोड़ की राखियों का व्यापार होता है, जिसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी लगभग 4,000 करोड़ है। चीन को व्यापारी चपत लगाने के इस महाअभियान में कैट की राष्ट्रीय इकाई द्वारा दिल्ली, नागपुर, भोपाल, ग्वालियर, सूरत, कानपुर, तिनसुकिया, रायपुर, भुवनेश्वर, कोल्हापुर, जम्मू आदि शहरों में राखियां बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में कैट 10 राखियों का एक सेट बनवा रहा है, जिसमें राखियों के अलावा एक छोटी सी शीशी में रोली, चावल तथा मिठाई के रूप में एक छोटी थैली में मिश्री रखी जाएगी। अगर आपके पास भी आत्मनिर्भर भारत के योद्धाओं की कहानी है तो आप कमेंट में हमें जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।